आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे UPPSC खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा UPPSC खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसीज जारी हो चुकी हैं। तो आप सब कैसे इस वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे, डेट्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, तो जानने के लिए पूरी जानकारी को आप सब वीडियो के माध्यम से एंड तक बने रहें। के लिए हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे gayatrijobs.com पे। लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती करेगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 13 दिसंबर से जारी हो चुकी है। शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर इस भर्ती की विस्तृत विज्ञापन अपलोड कर दिया गया था। आप इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया है कि इसके लिए 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जबकि परीक्षा शुल्क दिवस जो 10 जनवरी तक है जमा किया जा सकता है। इस पद के लिए शैक्षिक अर्हता, जो चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा केंद्रों के जिलों की जानकारी विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी। आरक्षण, आयु सीमा में दी जाने वाली छूट तथा जाति प्रमाण पत्र का प्रोफोमा विभिन्न जो विस्तृत विज्ञापन में दिया जाएगा। इस पद के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तय की गई है। सचिव ने गुरुवार को इस भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी करते हुए अपील की है कि विस्तृत विज्ञापन को ठीक से पढ़ने के बाद योग्य होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन किया जाए। संक्षिप्त विज्ञापन में पद के लिए शैक्षिक अर्हता तो नहीं दी गई है, पर चर्चा है कि इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता शिक्षा की स्नातक या प्रस्नातक हो सकती है। वैसे इसकी अतिरिक्त जानकारी शुक्रवार को विज्ञापन जारी होने के बाद हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र जल्द जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ सही रहा तो इस वर्ष के अंत तक उन्हें सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर आवेदन पत्र में दिया गया मोबाइल नंबर बदला हो या बंद हो गया हो तो वह 15 दिसंबर तक नवंबर में जो नंबर देते हुए संशोधन करवा लें। जो जनवरी में होगा ARO का टाइप टेस्ट। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो भर्ती 2017 RO और ARO के लिए टाइप टेस्ट 18 और 19 जनवरी को प्रयागराज में होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने गुरुवार को इसकी तिथि घोषित कर दी। उन्होंने बताया कि पहली बार टाइप टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। हिंदी में होने वाले इस टेस्ट के लिए जो इसमें अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। टेस्ट में सफल अभ्यर्थी को ARO के लिए अधिमान्यता देने पर विचार दिया जाएगा। 77 पदों का जो विज्ञापन जारी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 77 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो आप सब इसकी पूरी जानकारी इसे लेंगे। जो इसके वैकेंस पोस्ट का नाम है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी है। टोटल पोस्ट 309 है। डिपार्टमेंट का नाम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। इस तरह से आप पूरी जानकारी वेबसाइट से लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होगा। डाउनलोड UPPSC ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जॉब्स एडवर्टाइजमेंट की जो PDF है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। आप चेक कर सकते हैं इस लिंक को ओपन करके। अनऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके आप उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए इसकी लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।